student today we will start new phytoconstituent that is a digoxin okay digoxin ke bare mein dekhenge aaj digoxin kya hai cardiotonic glycoside means the glycoside which act on the heart okay usko kahenge cardiac glycoside theek hai next distalis kahan se milega apne ko distalis leaf mein se milega means jo bhi apna plant hai distalis उसके जो यूज रहेंगे ठीक है अपन वो यूज करेंगे सो अभी बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं अपन क्या है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स लीफ ऑफ द डिस्टेलिस लैनेटा ओके फैमिली स्क्रोफ्यूलेरेसी ओके अब सेकंड जो स्पीसीज है वो है परप्यूरा ठीक है डिस्टेलिस परप्यूरा उसकी भी फैमिली सेम है स्क्रोफ्यूलेरेसी ठीक है डिगोक्सिन जो है वो जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या मिलेगा अपने को टू मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन शुगर ठीक है सो जो ये टू मॉलिक्यूल्स है ये किसके है डिको डिसिटॉक्सस शुगर के हैं ठीक है जिसको अपन अग्लाइकोन भी कहा जाता है ओके एंड जो नॉन शुगर मॉलिक्यूल उसको वो कौन सी है डिगोजेनिन है ठीक है जेनिन जैसे आता है वैसे उनको पता चलना चाहिए अपने को ये कौन सा है अग्लाइकोन मॉइटी है ठीक है मैं ये देखो ये अग्लाइकोन मॉइटी है ठीक है ग्लाइकोन मीन्स शुगर मॉइटी अग्लाइकोन मीन्स नॉन शुगर मॉइटी ठीक है अभी देखते हैं नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या है 232 to 265 डिग्री सेल्सियस ठीक है मीन्स 230 to 265 डिग्री सेल्सियस ये मेल्टिंग पॉइंट है सोलिबिलिटी है उसकी डायल्यूट अल्कोहल में और मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म अल्कोहल एंड इनसोल्युबल इन वाटर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये है इसका स्ट्रक्चर इसका डिकॉक्सिन का ओके सो जब भी अपने जो हाइड्रोलिसिस है वो कहाँ से होंगे यहाँ से एसिड हाइड्रोलिसिस अपन करेंगे यहाँ पे ठीक है सो जैसे हाइड्रोलिसिस होगा जो ये ऑक्सीजन लिंकेज है ठीक है ओ लिंकेज ग्लाइकोसाइड है ये ठीक है सो यहाँ से लिंकेज ब्रेक डाउन होता है एंड ये फिर ये शुगर मॉइटी जो है इसको अपन कहेंगे ग्लाइकॉन ये सेपरेट होती है और ये अग्लाइकॉन मॉइटी है जिसको अपन जेनिन कहते हैं यही मॉइटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बायोलॉजिकली एक्टिविटी के लिए ठीक है जो कार्डिक एक्टिविटी है वो किसकी वजह से है दैट इज अग्लाइकॉन मॉइटी ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन देखो प्रोडक्शन में देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ड्राइड पाउडर लेंगे ड्राइड पाउडर एंड पेट इधर के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ठीक है रिड्यूस प्रेशर पे एक्सट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा पेट इथर में जो भी अनवांटेड मटेरियल है वैक्सेस है लिपिड्स है वो सभी किस में आ जाएंगे अपने पेट इथर में आ जाएंगे ठीक है और बाद में अपन पेट इथर लेयर क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे ठीक है जैसे अपन ने डिस्कार्ड कर दी है अभी जो बचा है ऊपर का पाउडर है मार्स जिसको अपन कहते हैं वो पाउडर अपन क्या करेंगे डाइजेस्ट करेंगे वाटर के साथ मीन्स अभी उस पाउडर को अपन डालेंगे वाटर में टेम्परेचर कितना है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इससे क्या हो जाएगा जो भी वाटर सोल्यूबल पॉलीसैकेराइड्स है अपने लूज में के वो किस में आ जाएंगे अपने वाटर में ठीक है अगर इसको फिल्टर करेंगे और ये जो भी वाटर वाटर है ना यहाँ पे वाटर लेयर ये अपन डिस्कार्ड कर डालेंगे ठीक है यहाँ पे अपन ने क्या किया था इथर लेयर डिस्कार्ड कर दी क्योंकि यहाँ से अनवांटेड वैक्सेस अभी यहाँ से रिमूव हो गए थे और यहाँ से अनवांटेड पॉलीसैकेराइड्स रिमूव हो गए ठीक है अभी जो बचा हुआ ऊपर का मार्स है पाउडर है वो अपन लेंगे आफ्टर द फिल्ट्रेशन वो पाउडर लेंगे और उसको अल्कोहल एंड वाटर के साथ मीन्स अल्कोहल वाटर के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इन अ सॉक्सलेट एपरेटस अभी सॉक्सलेट एपरेटस सबको पता है ठीक है वहाँ पे अपन एक्सट्रैक्शन के लिए लगाएंगे एंड बाद में उस एक्सट्रैक्ट को अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे एट ए 50 डिग्री सेल्सियस अंडर रिड्यूस प्रेशर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उस एक्सट्रैक्ट को अपन क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे लीड एसीटेट क्यों ऐड कर रहे हैं फॉर रिमूवल ऑफ द इम्प्यूरिटी जो भी इम्प्यूरिटीज है अपने एक्सट्रैक्ट की वो रिमूव करने के लिए अपन लीड एसीटेट डाल रहे हैं उसमें नेक्स्ट इन वाटर सोल्यूबल पोर्शन ग्लाइकोसाइड मेंटेन पीएच 6 ठीक है जो वाटर सोल्यूबल ग्लाइकोसाइड्स है ओके उसके लिए अपन क्या करेंगे उसके लिए पीएच उसका मेंटेन करेंगे 6 तक ठीक है उसके बाद उसको वॉश करेंगे विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट से उसको वॉश करेंगे एंड नेक्स्ट डिस्कार्ड ऑर्गेनिक लेयर जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिससे अपने यहाँ पे वॉश किया था वो यहाँ पे अपन रिमूव कर रहे हैं डिस्कार्ड कर डाल रहे हैं ठीक है उसके बाद जो भी एक्वियस लेयर है ओके एक्वियस लेयर में अपन ऐड करेंगे 0.5% सोडियम सल्फेट 0.5% सोडियम सल्फेट यहाँ पे ऐड करेंगे ओके और इससे क्या हो जाएगा जो भी यहाँ पे लीड डाला था ना अपन लीड एसीटेट ठीक है
ये रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लीड सल्फेट, ठीक है, लीड सल्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अपने को दो लेयर्स, बाद में जो एक्विस लेयर है उसको अपन ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से वॉश करेंगे इथेनॉल के साथ। मीन्स यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक्विस लेयर को अपने ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म के साथ, बाद में इथेनॉल के साथ। देखो यहाँ पे जहाँ ये लीड सल्फेट जो है ये रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। मीन्स जो भी लीड एसिडेड है ये रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ लीड सल्फेट, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया है। अब जो बचा है वो एक्विस लेयर है, एक्विस लेयर को अपने ट्रीट किया है क्लोरोफॉर्म के साथ, और उसके बाद ट्रीट किया उसको इथेनॉल के साथ, ठीक है। उसके बाद अपने को दो लेयर मिल रही, एक क्लोरोफॉर्म की और एक इथेनॉल की, ठीक है। सो जो क्लोरोफॉर्म की लेयर है वो लेस पोलर ग्लाइकोसाइड यहाँ में डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है, और जो मोर पोलर ग्लाइकोसाइड्स है वो इन कहाँ पे डिजोल्व होंगे, इथेनॉलिक पोर्शन में, ठीक है। इसको अपन फिर सब्जेक्टेड टू द क्लो टू द क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के लिए अपन यहाँ पे इसको प्रोसीड आउट करेंगे एंड सेपरेट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। सो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी क्यों कर रहे हैं अपन, फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पज, ठीक है। सो ये पूरा है अपना प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन इस्टीमेशन, ठीक है, ये है इस्टीमेशन। इस्टीमेशन करेंगे बाय यूजिंग आईपी मेथड, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में 40 ग्राम डिकॉक्सिन लेंगे, ठीक है। सैंपल टू बी इस्टिमेटेड, जो भी अपने को सैंपल इस्टिमेट करना है, मीन्स उसकी क्वांटिटी निकालनी है, वो अपने यहाँ पे लेंगे 40 mg। उसमें अपन डिसॉल्व करेंगे 90% इथेनॉल अप टू 50 ml, ठीक है। 50 ml अपने को क्या डालना है, 90% इथेनॉल इसमें, ठीक है। बाद में मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें से अपन 5 ml लेंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन से सिर्फ 5 ml लेंगे, एंड 5 ml जो लिया है, ठीक है, उसमें अपन ऐड करेंगे 100 ml इथेनॉल, ओके। और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्लास्क, मीन्स ये स्टॉक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको अपन ऐसे रख देंगे, ओके। इसमें से फिर अपन 5 ml लेंगे, इसमें से फिर 5 ml लेंगे, और उसमें ऐड करेंगे 3 ml अल्कलाइन पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। और उसको वैसे ही रख देना है इन अ डार्क रूम फॉर अ 30 मिनट, ठीक है। सो ये जो सॉल्यूशन बन गया अपना, लास्ट में ये है टेस्ट के लिए, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है अपने के अपने को फॉर द स्टैंडर्ड डिकॉक्सिन। स्टैंडर्ड डिकॉक्सिन मीन्स जो मार्केट में अवेलेबल है एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। जो सेम प्रोसेस करेंगे, मीन्स जो यहाँ पे अपने सैंपल लिया था 40 mg, इसके जगह पे अपन स्टैंडर्ड लेंगे डिकॉक्सिन 40 mg। उसको फिर डिजोल्व करेंगे 50 ml इथेनॉल में, इसमें से फिर 5 ml लेंगे, उसको अपन डिजोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे 100 ml इथेनॉल के साथ, फिर इसमें से 5 ml लेंगे, और उस 5 ml में अपन 5 ml अल्कलाइन पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन को अपन रन करेंगे यूवी में, ठीक है। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट मेजर द एब्जॉर्बेंस, बोथ बोथ सॉल्यूशन के अपन को एब्जॉर्बेंस मेजर करनी एट वी लैम्डा मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है, 495 नैनोमीटर। और कैसे में अपन इसको ये करेंगे, मेजर करेंगे अगेंस्ट ब्लैंक कॉन्सेंट्रेशन। ब्लैंक कॉन्सेंट्रेशन मीन्स, ब्लैंक सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे विदाउट सैंपल एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, 5 ml इथेनॉल प्लस 3 ml अल्कलाइन पिक्रिक एसिड, ठीक है, उसको कहेंगे ब्लैंक सॉल्यूशन, ठीक है। बाद में ये सभी पैरामीटर, सभी सॉल्यूशन अपन रन करेंगे यूवी में, और कैलकुलेट करेंगे डिकॉक्सिन फ्रॉम द एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ नोन क्वांटिटीज टेकन फ्रॉम द एसे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अभी अपन क्या करेंगे, जो भी अपना ये एसे है ये यूवी का है, ठीक है। यूवी के मेथड से अपन इस्टीमेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना इस्टीमेशन। अब नेक्स्ट इस्टीमेशन बायोजिंग TLC। TLC मीन्स थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या है, सिलिका जेल जी। मोबाइल फेज क्या है, साइक्लोहेक्सेन इज टू एसिटोन इज टू एसिटिक एसिड 49:49:2। नेक्स्ट डिटेक्शन रिएजेंट है 5% H2SO4। यूवी फॉर लाइट कौन सा डिकॉक्सिन अपियर्स एज ब्लू कलर, ओके, ठीक है। ये है TLC, ओके। उसके बाद अपन देखेंगे यूटिलाइजेशन मीन्स यूजेस। यहाँ पे देखो क्या यूज है, इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मीन्स जो भी कॉन्ट्रैक्शन रुक गया है अपने हार्ट का, वो इंक्रीज करता है अपना डिकॉक्सिन, ठीक है। वो कैसे इंक्रीज करता है, बाय द इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पम्प, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पम्प को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसीलिए क्या होता है, जो भी कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है अपने
इसमें सेल मेकर वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन हार्ट में बढ़ेगा, वैसे ही जो भी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वो बढ़ जाएंगी, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किसके साथ ज़्यादा होना चाहिए, कैल्शियम का, ठीक है। इसलिए सोडियम पोटेशियम एटीपेस फॉर्म इनहिबिट होगा, मीन्स ये रुक जाएगा और कैल्शियम अपने हार्ट में बढ़ जाएंगे उसके वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए पेशेंट विद आर्टेरियल फाइब्रिलेशन एंड एडवर्स कार्डियोवास्कुलर आउटकम, ठीक है। मीन्स ऐसे पेशेंट जिसमें आर्टेरियल फाइब्रिलेशन का प्रॉब्लम है एंड ऐसे पेशेंट जहाँ पे जो आउटपुट है, ठीक है, ब्लड का आउटपुट है वो कम है, ऐसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए भी अपना डिकॉक्सिन देते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ CHF. CHF मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूअर, मीन्स यहाँ पे जब भी सडनली अपना हार्ट रुक जाता है उसको बोलते हैं CHF, ओके। ये यहाँ पे क्या होता है, टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड रिलीव द वेनस कंजेशन एंड एज अ कार्डियोटोनिक। मैंने पहले कहा था जो भी अपने हार्ट में की जो वेन्स है उसमें जो भी टेंशन आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट नहीं आता है इसकी वजह से हार्ट सडनली रुक जाता है, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या देते हैं, डिकॉक्सिन देते हैं, ठीक है। इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल्स एंड प्रोड्यूस द मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज एज डायोरेटिक एंड हेल्प इन अ लॉस ऑफ एडिमा। एडिमा मीन्स स्वेलिंग, ठीक है, डायोरेटिक करके भी यूज किया जाता है, ओके। सबको पता है जो भी अनवांटेड अनवांटेड जो भी सब्सटेंस है वो ब्लड में रहते हैं और ब्लड से फिर क्या होता है, यूरिन के इससे वो निकल जाते हैं, ठीक है। मीन्स जो भी किडनी है अपनी क्या करती है, फिल्टर करती है अपने ब्लड को, और अनवांटेड मटेरियल है वो किडनी के द्वारे यूरिन के द्वारे अपनी बॉडी से निकल जाती है। बट अगर कौन सी भी अगर ऐसी कंडीशन होती है, जब भी अगर किडनी फेल होती है, ओके, और कौन से डिसीज होते हैं उसकी वजह से अगर बिलीरुबिन अपने बॉडी में वैसे ही रह जाता है, ठीक है, और दूसरी इंप्योरिटीज अगर अपनी बॉडी में वैसे रह जाती है कि न ब्लड, तो इडिमा स्टार्ट हो जाता है, मीन्स अपने हाथों और पैरों में स्वेलिंग आती है, ठीक है। ऐसे वक्त क्या करते हैं, डायोरेटिक्स देते हैं। डायोरेटिक्स मीन्स ऐसे ड्रग जो यूरिन आउटपुट बढ़ाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो भी यूरिन का आउटपुट जैसे ही बढ़ता है, ब्लड में से इंप्योरिटीज यूरिन के इससे बाहर अपने बॉडी में निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए डायोरेटिक्स उनको देते हैं, इसलिए डायोरेटिक करके भी अपना जो डायोजेनिन है ये यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन है अपनी डायोजेनिन की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, कमेंट्स करो, और आपको दूसरे कौन सी वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।